ओम शांति। आप सबको स्वागत है और हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग अब 8 सितंबर के ईश्वर वरदान की, जहाँ परमात्मा पिता चाहते हैं कि एक सबसे मुख्य गुण, अगर पवित्रता का गुण हमारे अंदर आ जाए तो हम जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही सहज और उस कार्य से बहुतों को बहुत मदद मिलेगी। तो ये कैसे करें और ये प्योरिटी है क्या? लोग ज़्यादातर सोचते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य होना ही प्योरिटी, लेकिन यहाँ पर बात अलग है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेषात्मा भव। ज़्यादातर देखा जाएगा दुनिया में भी, अगर किसी इंसान का सेल्फिश रीज़न हो, उसको सिर्फ यही हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका सबॉर्डिनेट हो, चाहे वो आपका एनजीओ हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, कि आप चाहते हो कि मैं बिजनेस पार्टनरशिप में मेरे को ही प्रॉफिट मिले, दूसरों के साथ में मैं छुपा लूँ, तो ये प्योरिटी नहीं हुई और जिस कारण से वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो बिजनेसेस बहुत जल्दी ठप हो जाते हैं, लंबे चलते नहीं हैं वो। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम प्योरिटी को इस्तेमाल करें। तो साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं, उसमें आपके सारे रिलीजियस सेक्स के जितने भी आगे जो कि सेलिबेसी में रहते हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो महान आत्मा कहलाते हैं, बिकॉज उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, उन्होंने अपने पर्सनल प्लेजर्स को, पर्सनल डिजायर्स को, फिजिकल डिजायर्स को छोड़ दिया और उन्होंने स्पिरिचुअल डिजायर्स को आगे रखा, जिसमें कि औरों का भला होता है। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने से सिर्फ हमारा भला नहीं, औरों का भला होता है, तो उसको उन्होंने आगे रखा और अपने पर्सनल डिजायर्स को खत्म कर दिया। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है और उनकी पूजा होती है, लोगों की वाह वाह करते हैं, लोगों को मिलने के लिए आते हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। ब्राह्मण कौन हो गए? जो भी ब्रह्मा को पहचानते हैं, एटम को पहचानते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य में चल रहे होते हैं और जो कि ब्रह्मा के आचरण में चल रहे होते हैं। ब्रह्मा का आचरण में चलना मतलब कि एक भी इम्प्योर थॉट, एक भी घृणा, नफरत, ईर्ष्या, आलस्य, अलबेलापन, क्रोध, अहंकार, ये सब कुछ ना हो किसी के अंदर। काम वासना की बात तो है ही है, लेकिन ये बाकी चीजें भी ना हो, वो संपूर्ण ब्राह्मण है। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, जो कि ऐसी फैमिलीज में पैदा हुए हैं जो कि जिनका बचपन से ही उनको ब्राह्मण कहलाया गया हो, या जो कि किसी कुल में जाकर के ब्राह्मण बन गए हों नामधारी, और जिन्होंने ज्ञान लिया हो वो ब्राह्मण अलग होते हैं। लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो, एक हो गया नामधारी ब्राह्मण और एक हो गया काम से, मतलब कि कर्म से ब्राह्मण, जो कि आपको लोग पहचाने कि हाँ इनकी सोच, इनके बोल और इनके कर्म बहुत ऊंचे हैं, जो कि एक ब्राह्मण ही कर सकता है। तो परमात्मा कहते हैं साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाते हैं, तो कार्य विशेष हो जाता है। तो ब्राह्मण मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ जनेह पहन लेनी है, उसके बाद में आपको मुंडन कर लेना है और आपको शास्त्र पढ़े आने चाहिए तब जाकर आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में। नहीं, ब्राह्मण बनना बहुत मुश्किल भी और बहुत आसान भी है। ब्राह्मण बनना मतलब कि जो ब्रह्मा को जानते हैं और ब्रह्मा ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी जैसी थी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्टार्ट कर दिया, क्या ताकत थी? प्योरिटी की ताकत। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को ही ऊपर रखो और दूसरों को नीचे कर दो तो वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को नीचे रखा और औरों को आगे बढ़ाया। इतनी ताकत है आपके अंदर कि आप अपने आप की इच्छाओं को सेक्रीफाइस करो और औरों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि औरों को आगे बढ़ाने में ही खुद आगे बढ़ना होता है, कहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा कहते हैं साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है, इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। उत्तम कर्म करने वाली आत्माएं ये बने कैसे? कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे हम अपने बिजनेस में, कैसे हम अपने घर में, हम कैसे रहें प्योर, ताकि हम अपने घर को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे घर में बरकत आए, सुख आए, शांति आए, खुशी आए फिर से। ये सब कुछ सब बहुत ज़रूरी है, ये सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें हर दिन। इसके साथ ओम शांति।